उतरते ही हम लोग डांसिंग कार से कपड़ा चुराएगा। आप सब अपना अपना रिमोट वहां डाल देना अंडर बियर मा, एकदम डीप मा डालना ताकि कौनो चुरा न ले ससुरा। हाँ अरे पहचाने नहीं काम का है? हम पीके हूँ पीके। मेरा एक तो सवाल का तोहर लास्ट डे यहां कितना बार दूर लाया हुआ था? ये का तेल भी फेंक अच्छा सेफ भी चल चल। अरे वहां कहां जा, यहां चला। भगवान हम कौन से कंपनी का हूं, किस भगवान की पूजा करूं, ये तो बता दीजिए। कुछ और सिग्नल तो दीजिए, थोड़ी हिलिए डुलिए, कुछ तो बोलिए। ओह माय गॉड, ओह गॉड, माय गॉड, गॉड, कहाँ अंदर? गॉड, 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 आप गॉड हो? ये गॉड है का? चलो चलो निकलो, गॉड गॉड। अरे रुको हो, गुड गॉड, पहले हमारे घर पे पहुंचा दो। क्या चाहिए तुमका? किलो पैसा, किलो आई चाहिए। क्या कर रहे हो? गॉड, हमका घर जाना है भगवान, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो भगवान, गिर जाएगा हम। गुड गॉड, किलो नारियल, किलो। पीके, आखिर किसका बना है मजाक? क्या है न्यू लुक? क्या जनता से की रिक्वेस्ट? हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों बॉलीक्राफ्ट स्टूडियोज में, और मैं हूं अनुष्का त्यागी। पीके मूवी को बनाने के लिए किया गया था टेक्निक्स का यूज। जी हां, साल 2014 में जब पीके मूवी आई थी उस समय पीके मूवी को बनाने के लिए VFX का यूज किया गया था, और वो भी उस सीन के लिए जब संजय दत्त ब्लास्ट के होने के कारण मारे जाते हैं। अब की बार PK 2 भी आने वाली है, जिसके लिए इसके डायरेक्टर ने ये बात सीधे सीधे कह दी है कि मूवी में अब की बार भी कुछ धमाकेदार होने वाला है, जिसके लिए PK 2 में VFX का यूज होना तो कंपलसरी है। अब दोस्तों PK 2 मूवी में जब आमिर खान ने पहने थे अतरंगी कपड़े, तब डायरेक्टर ने उड़ाया था पीके का मजाक। जी हाँ दोस्तों, दरअसल जब आमिर खान ने पीके मूवी में शूट करने के लिए ऊपर जींस शर्ट और नीचे लेडीज स्कर्ट डाली थी, उस समय डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने आमिर खान का खूब मजाक बनाया था और वो उन पर खूब हंसे थे, जिस कारण से आमिर खान उनसे थोड़ा गुस्सा भी हो गए थे, लेकिन बाद में मामला ठंडा हो गया। अब की बार दोस्तों PK 2 आने वाली है, जिसमें आमिर खान फिर से लीड रोल में दिखाई देंगे। दोस्तों PK 2 में दिखाई देगा पीके का नया लुक। जी हाँ दोस्तों, दरअसल जब PK 1 साल 2014 में आई थी तो दोस्तों उस समय पीके को अतरंगी लुक में लाने के लिए लगभग 5 से 6 बार पीके के लुक को चेंज किया गया, लेकिन फिर भी पीके के लिए कोई लुक डायरेक्टर राजकुमार हिरानी और प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा को पसंद नहीं आ रहा था। तब अंत में जाकर जब आमिर खान ने अपने कानों के पीछे मशीन लगा अपने कानों को बड़ा किया और आंखें ज्यादा खोलकर बड़ी की, तब उन्हें ये लुक ज्यादा पसंद आया था, और फिर आमिर खान का वो लुक कंप्यूटर पे थोड़ा एडिट करके डिसाइड किया गया। दोस्तों अब की बार फिर से PK 2 आने वाली है, जिसके लिए आमिर खान एक बार फिर से अलग और अतरंगी रूप ट्राई कर रही हैं। अब साल 2014 में आई पीके मूवी में दोस्तों डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने किया था सेट पर डांस। दरअसल दोस्तों जब पीके मूवी की शूटिंग चल रही थी तो उस समय जग्गू और पीके दोनों के बीच में एक रोमांटिक डांस दिखाने के बारे में राजकुमार हिरानी ने सोचा। भाई राजकुमार हिरानी का कहना था कि पीके एक एलियन है तो ऐसा नहीं है कि उसमें फीलिंग्स नहीं होंगी, हमें पीके के अंदर की फीलिंग्स को दिखाना होगा, जिसके लिए हमें जग्गू और पीके का एक रोमांटिक डांस तैयार करना पड़ेगा। और इसके लिए राजकुमार हिरानी ने लोगों को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मैसेज करके बोला, आप अपने कुछ अतरंगी डांस का वीडियो हमें भेजिए। सभी के डांस में से राजकुमार हिरानी को किसी का भी डांस पसंद नहीं आया। फिर उसके बाद राजकुमार हिरानी ने खुद पीके मूवी में जग्गू और पीके के लिए कुछ अलग डांस स्टेप्स बनाए थे। तो सबके बाद फिर से PK 2 आने वाली है, और इस बार देखना ये है कि राजकुमार हिरानी कौन से नए स्टेप्स PK 2 मूवी में दिखाएंगे। क्या आपको भी इंतजार है PK 2 मूवी का? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी आज की राइटर है वरिणा।